वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ उस्कर रहमान और आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़े का साग। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही यम्मी होता है। रेसिपी तो मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि अभी मैं बना चुकी हूँ। अगर फिर से किसी दिन बनाया तो इंशाल्लाह रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये भी बॉयल हो रहा था, इसके साथ ये होता है कि इसको मुसलसल इसका जो है ना चमचा हिलाना पड़ता है, वरना ये जो है ना इसमें गलतियाँ आ जाती हैं या ख़राब हो जाता है, कोई मसला तो होता है। वैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे मम्मा ने कहा कि चमचा लाना है इसका बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद बॉयल हो रहा है ना, वैसे चमचा लाने से होता है कि बॉयल ऊपर नहीं आता। और यहाँ साथ ही साथ मैंने जो है ये पुदीना और सलाद के पत्ते जो है ये मैंने साफ़ करके धो के इसमें रखे हैं। मैंने कहा फ्रिज में रखती हूँ तो थोड़ा सा इसका बॉयल आ रहा था, तो इस पर ध्यान हो गया। बर्तन भी धोने हैं, यू कैन सी इतने ज़्यादा बर्तन जमा है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से ही हैं लेकिन जमा हो जाते हैं। थोड़ा सा काम करो ना किचन में, इतने बर्तन जमा हो जाते हैं। इसको मैं बंद करके रखती हूँ। इनको फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज में रखते हैं इसको। मैं थोड़ा सा ना एक मिनट इसको बंद कर देती हूँ। ये जी मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ, ठीक है। ये हमने नया फ्रिज लिया था, इसकी वीडियो भी आपसे शेयर करनी थी। ये तो अभी तो काफ़ी पुराना हो गया, मतलब महीना डेढ़ महीना हो गया, तो हम नहीं दो महीने हो गए शायद, तो हाँ हो गया, बस दो महीने हो गए ना, दो ढाई महीने। तो वो मैंने कहा था आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन वो शेयर ही नहीं की अभी तक। इतना एक मैं बिज़ी लाइफ हो गई, इतना बिज़ी हूँ ना, मतलब मेरा टाइम नहीं मिलता कि मतलब कोई वीडियो शेयर करूँ आपके साथ। और मतलब एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, और पता आपको और भी सॉल्व मसले होते हैं, इस वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं सोच रही बर्तन भी धो लूँ पहले साफ कर, मतलब ये छोटे छोटे काम लगे रहते हैं। मैं बर्तन धोती हूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। चारों को किसी ने ना कालक लगा दिया है। इधर देखो, इधर अपनी आंखें तो दिखाओ, आंखें तो दिखाओ, आंखें तो दिखाओ, आंखें तो दिखाओ। बर्तन धुल गए, शुक्र है।